टीटीपी के आतंक से खौफ में है पाकिस्तान सरकार। खबर ऐसी है कि आतंकियों से तंग पाकिस्तान ने यूएन में अब गुहार लगाई है। पाकिस्तानी राजदूत मुनीर अकरम ने यूएन में अपील की है। टीटीपी आतंकी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खतरनाक हथियारों को हासिल करने के लिए खास अभियान चलाने की बात सामने आ रही है। हथियारों के अवैध व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, ये मांग हो रही है। हथियारों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना यूएन की जिम्मेदारी। अगर जिस तरीके से हथियारों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने की बात है, टीटीपी के आतंक से खौफ में है पाकिस्तान सरकार और अब यूएन में गुहार लगाना ही शायद एकमात्र विकल्प यूके देवनाथ सर बचा हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान के सामने। रत्ना जी, इससे बड़ी हास्यास्पद बात हो ही नहीं सकती। ये जितने टीटीपी के आतंकवादी हैं, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाकर यूएन में जाकर रो रहा है, कमाल की बात है। इन तालिबान को तो इंस्टॉल किसने किया अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में? पाकिस्तान की आईएसआई ने, उन्होंने ही तालिबान को हथियार दिए कि वो अमेरिका को लड़के अमेरिका को भगाए वहां से। अब तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के हाथ से फिसल गई है। अब जब कहां तक ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात है, ये तो शुरुआती दिनों से ही डुरंड लाइन के उस तरफ और डुरंड लाइन के इस तरफ एक्टिव थे। वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वहां के जो ट्राइबल्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो ट्राइबल्स हैं, वजीरिस्तान में हैं ट्राइबल्स, उनको जरा आजादी मिले, जरा ऑटोनॉमी मिले पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से जो सरकार है वो वहां पर ज्यादा उनको तंग ना करे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, तो टीटीपी के आतंकवादी जो हैं हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि प्रॉब्लम तो उसकी अपनी सरजमीन पर है, इसको सॉल्व करने का काम पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का है, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स का है, जो कि टीटीपी के आतंकवादियों और उनके परिवारों से मीठा मीठा बात करें और मसले को सुलझाएं। नहीं तो पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स, रजाकार जो है उनके सरकारी पेड, उनका काम है कि वो टीटीपी के आतंकवादियों को कंट्रोल करें। इसकी जगह पाकिस्तान दौड़ दौड़ के गुहार लगा रहा है यूनाइटेड नेशन में। मैंने अपने सारे जिंदगी में 34 साल की नौकरी में कभी भी इससे बड़ा भद्दा, घटिया, सस्ता और हास्यास्पद मजाक नहीं देखा। जी, झूठी सिंपति भी तो लेने की कोशिश ये नजर आ रही है जेएसओटी सर। अगर यूएन में ये गुहार लगा रहा है तो पाकिस्तान फिर अपने गिरेबान में झांक कर भी तो देखे कि ये नौबत आ क्यों गई। रत्ना जी, पाकिस्तान के आंसू घड़ियाल के आंसू है, पूरी दुनिया उस पर कोई भरोसा नहीं करती, तभी आज पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मखौल बन के रह गया है। पाकिस्तान चाहे संयुक्त राष्ट्र में रोए, चाहे अमेरिका के पैर पड़े, चाहे चीन से लिपक ले, हकीकत यह है कि दुनिया जान चुकी है कि अगर आतंकवाद का कोई गढ़ है, कोई एपिसेंटर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने जो अपने कुकर्म किए थे, आज वो उसी का भुगतान कर रहा है। 21 सितंबर 2011 को अमेरिका की सेक्रेटरी स्टेट हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान के दौरे पे गई थी, तो उन्होंने एक बहुत ही विख्यात बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप पालते हैं उन्हें याद रखना चाहिए, ये सांप उन्हें भी डसेंगे एक दिन। वो जो आतंकवादी पाकिस्तान ने पाले थे भारत के ऊपर हमला करने के लिए, आज वही पाकिस्तान के अंदर सांप बन के इनको ऐसा डस रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। और जिस जिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके ये रो रहे हैं, वहां पे इनका मखौल ही बन रहा है। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान अगर सुधर जाता है, अपनी आवाम को एक अच्छी जिंदगी दे सकता है। मैं बस एक और मिनट चाहूंगा रचना जी, 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा, तब दोनों देश की तिजोरियां खाली थी, दोनों देश के पास पैसा नहीं था। लेकिन 1960 में पाकिस्तान की आर्थिक हालत भारत से अच्छी थी, पाकिस्तान की पर कैपिटल जीडीपी 83.3 अमरीकी डॉलर थी और भारत की थोड़ी कम 82.2 अमरीकी डॉलर थी। लेकिन 1960 से 2024 में क्या बदला? सिर्फ पाकिस्तान की गलत नीयत और गलत नीतियां। आज पाकिस्तान ऐसे मुश्किल में है, चाहे आर्थिक समस्या, चाहे आतंकवादी की समस्या, तो अब दिख रहा है यहाँ गर्त में चला गया है पाकिस्तान, और गर्त में जाने से पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता। वजह यह है, भारत तो लगातार अपना कद बढ़ा रहा है, आगे बढ़ रहा है, दुनिया में अपनी पहचान और ज्यादा मजबूत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जहां हुक्मरान सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, जिसका नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है, पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। आप